अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं अल्लाह की बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और सुबह सवेरे से सारे ही काम मैंने फटाफट कर लिए थे और आज मैं ना बहुत ज़्यादा खुश थी। और आज जो है दो जो है खुशियाँ एक साथ मिली थी, गुड न्यूज़ एक साथ मिली थी। वो क्या मिली थी वो तो मैं आगे चल कर आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पर तैयारी हो रही थी बहन के घर जाने की, क्योंकि जो है काफ़ी दिन से जो है ना मैं अम्मी के घर नहीं गई हूँ, क्योंकि अम्मी का घर है बहुत दूर। और तकरीबन 10 मुहर्रम को जो लास्ट वीकेंड थी, यानी कि लास्ट समर वेकेशन थी, जब मैं अम्मी के घर गई थी, तब से अब तक जाना नहीं हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। तो आज हस्बैंड ने कहा आप तैयार होकर ना जो है बहन के घर चली जाओ अपनी, जो कि जो है घर के करीब ही रहती हैं। तो बस फिर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और ये अपने मेके वालों से मिलने की खुशी वही लोग जानते हैं जो कि अपने मेके में बहुत दिन के बाद जाते हैं, जिनके मेके बहुत दूर होते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले जो है अपने जो है कपड़े जो है आयरन कर लिए थे, क्योंकि जो है ना भाई लाइट का कोई पता नहीं होता है। वैसे तो हमारी लाइट जाती नहीं है, लेकिन कभी जाती है ना तो बस फिर ना परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने रूम की क्लीनिंग तो कर ली थी, लेकिन बेड शीट जो है मैंने नहीं बिछाई थी, क्योंकि अबुल हसन सो रहे थे। तो आज फिर जो है ना अबुल हसन के बाबा जो है ना डंडी मार गए, और जो है अबुल हसन सो रहे थे और वो जल्दी से ना भाग कर चले गए शॉप पर। और फिर आज फिर मुझे जो है अबुल हसन को नाश्ता करवाना था, और अबुल हसन के बाबा अबुल हसन को नाश्ता करवा लेते हैं ना तो मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता है, लेकिन जब अबुल हसन सो रहे होते हैं ना तो फिर बाद में ना मुझे ही नाश्ता करवाना पड़ जाता है। तो आज मैं ना अबुल हसन के नाश्ते के लिए ना यहाँ पर आलू वाली पुडिंग बना रही थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इसके लिए मैंने एक आलू जो है ना छील कर बॉयल करने रख दिया था, और अब ये जो है आलू अच्छे से ना बॉयल हो गया था। तो फिर मैंने इसे मैशर की मदद से खूब अच्छे से मैश कर लिया था, और फिर इसमें दूध ऐड किया था, और दूध ऐड करने के बाद चीनी ऐड करी थी और इसको गाढ़ा होने तक पका लिया था डेड सेट। आप चाहें तो इसमें जो है वनीला एसेंस या कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो आलू का अपना टेस्ट और फ्लेवर और जो इसकी खुशबू होती है ना वो ही ज़बरदस्त होती है इस पुडिंग के लिए। तो मेरी जो है हबीबा अरबा नवेरा बहुत ज़्यादा शौक से खाया करती थी ये पुडिंग, और मैं उन लोगों की नहीं बहुत ज़्यादा बनाती थी, लेकिन आज जो है ना मैं अबुल हसन की है ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अच्छा आप चाहें तो जो है ना इस आलूओं को जो है ना ब्लेंडर वगैरह में भी ना मैश कर सकते हैं, ताकि जो है इसके आलू के जो है चंक्स ना आए। तो बस यहाँ पर पुडिंग तैयार हो गई थी और मैं जो है बाउल में जो है इसको ट्रांसफ़र कर रही थी, ठंडी हो जाएगी तो अबुल हसन को मैं नाश्ता करवा दूँगी। और आज ना मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना सोई नहीं थी, क्योंकि आज मुझे ना एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, और जो है सुबह से बस फिर मैं काम में लगी हुई थी। और आज मैंने जो है रूम की क्लीनिंग भी कर ली है, कर्टन वगैरह सब मैंने चेंज किए थे, और साथ में फिर बाद में मैंने ना अब यहाँ पर बेडशीट भी चेंज कर ली है। और अबुल हसन जो है ठंडा होने का इंतज़ार ही नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किलों में मैंने जो है अबुल हसन को यहाँ पर जो है नाश्ता करवाया जब वो ठंडा हो गया पुडिंग। और यहाँ पर जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था और मैं नमाज़ की अदायगी कर रही थी, और इतना दिली सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ के। और फिर नमाज़ अदा कर मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी, और आज मैंने ना आलू की बिरयानी बनाई थी, आलू वाले चावल बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। और बस फिर हमने जल्दी से, और आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा आज का मेरा ड्रेस, अच्छा मेरे मोस्ट फेवरेट ड्रेसेस में से एक ये ड्रेस है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो है क्योंकि कराची में जो है गर्मी इतनी होती है, सर्दी बिल्कुल ही बराए नाम आती हैं, तो बस फिर हम जो है पूरे 12 महीने लॉन के ड्रेसेस पहन के गुजारते हैं। कुछ दिनों के लिए जो सर्दी आती है तो उसमें हम जो है बहुत हुआ तो जो है कॉटन के ड्रेसेस पहन लेते हैं, अदरवाइज़ सर्दी आती ही नहीं है।
और पहली गुड न्यूज़ तो मैंने आप लोगों को सुना दी है कि आज मैं अपनी बहन के घर जा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और दूसरी जो है खुशखबरी ये है कि आज मेरे जो चैनल पे जो है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, तो जिसके लिए हमने छोटी सी जो है सेलिब्रेशन की थी और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और यहाँ पर हम काम डाउन कर रहे थे और कोई इतना जो है अच्छा लग रहा था ना, और यकीन नहीं आ रहा था कि आज मैं जो है मतलब मैंने अपने 1K सब्सक्राइबर अचीव कर लिए और इंशाल्लाह अब जो है मेरा वॉच टाइम भी जल्द पूरा हो जाएगा और फिर हम अपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप लोग ज़रूर जो है दुआ करिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और आज के ड्रेस की मैं ओवरऑल लुक आप लोगों को दिखा रही थी और छोटी सी मैंने वीडियो जो है शूट कर ली थी, रिकॉर्ड कर ली थी आप लोगों के लिए कि आप लोग बताइएगा आपको ड्रेस कैसा लगा। और यहाँ पर अबुल हसन मौलवी साहब बनकर घूम रहे थे, बहनें भी तैयार थी और बस फिर हम बहन के घर जाने के लिए निकल पड़े। और आज मैंने ना भी बड़ी हिम्मत दिखाई क्योंकि कल ना हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी कि भाई हम तो जो है ना घर 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 में ही रहते हैं, कहीं जाना ही नहीं होता है। तो हस्बैंड ने कहा जाया करो, क्यों नहीं जाती हो? तो बस मेरा यही है कि मुझे कहीं भी जाना होता है मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, अकेले जाने की कभी हिम्मत नहीं पकड़ती हूँ। तो आज मैंने हिम्मत कर कर बहन के घर पहुँच ही गई थी और यहाँ पर जाकर अबुल हसन ने बहुत इंजॉय किया, फिर हमने खाया पिया, हंसी मजाक किया, हल्ला गुल्ला करा, बहुत इंजॉय किया। तो आप लोग भी अपने मैके जाते होगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते होगे, अगर करते हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।